Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं अंडों का सालन, जिसे एग करी भी कहते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन में क्वार्टर कप जो है वो ऑयल लेकर और इसमें 3 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए हैं और इसे फ्राई कर रहे हैं। चलें जब तक इसे फ्राई करते हैं फिर मिलते हैं। अनियंस हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसी पैन में बना रहे हैं। तो आप ये करें कि इसके अंदर अब 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक ऐड कर दें। इसको 30-40 सेकंड्स के लिए सॉटे कर लें। इसकी खुशबू आने लगे अच्छी सी और फिर इसके अंदर हम 1/2 कप टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। ये देखें 30-40 सेकेंड हो गए हैं, अब हम इसके अंदर ये 1/2 कप टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। और इसे भूनेंगे। अनियंस हमारे फ्राई होने के बाद जो है वो 1/2 कप थे, 1/2 कप ही हमने अनियंस लिए हैं और 1/2 कप ही हमने टोमेटो पेस्ट लिया है। अगर आप पहले से अनियंस को फ्राई करके रखेंगे तो वो फ्राई होने के बाद 1/2 कप होने चाहिए और यहाँ हमने इन्हें अभी फ्रेशली फ्राई किया है। चलें इसे भूनते हैं। इस भुनाई में ही हमारे अनियंस जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और ये इसी में मैश हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले और जिसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया है, 1 टीस्पून जो रेगुलर हमारी लाल मिर्च होती है वो है, 1 टीस्पून नमक है और चुटकी भर जो है वो हल्दी है। ये सब इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इन मसालों के साथ इसकी भुनाई करेंगे। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुनना चाहिए और हर सालन का मज़ा इसी में होता है कि आप भुनाई बहुत अच्छी तरह से करें। अंडों के सालन में भी यही बात है कि आप हर चीज़ के साथ वन बाय वन उसको बहुत अच्छी तरह भूनें मसाले को। चलें इसको भूनते हैं फिर मिलते हैं। मसालों के साथ भी अब हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है, देखें साइडों से हल्की हल्की तरी ऊपर आ रही है। अब हम 1/2 कप इसमें दही ऐड कर देंगे और अब हम इसे दही के साथ भूनेंगे। दही के साथ भी बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे और ये तकरीबन 3-4 मिनट लेगा इस तरह से भुनने में। जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा और इसके अंदर हम अपना रिक्वायर्ड जो है वो जितना हमें पानी रिक्वायर्ड होगा वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में इसमें जो है वो गरम मसाला 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। चूल्हा हमारा जो है वो मीडियम पर है, ना हाई रखेंगे और ना ही लो पे रखेंगे, क्योंकि इस वक्त हम मसाले की भुनाई कर रहे हैं, मीडियम पे होना चाहिए। चलें इसको भूनते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से भून गया है दही के साथ भी, अब ये रेडी है। अब इसमें आप जितना आपको रिक्वायर्ड है पानी ऐड करें, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। हम यहाँ पे 1/2 कप जो है वो पानी ऐड कर देंगे और साथ साथ हमारे साइड में अंडे भी बॉयल हो रहे हैं।
पानी ऐड कर दिया है हाफ कप। और देखिए कितना ज़बरदस्त था हमारा मसाला, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी सी आ गई है देखें। अब इस पॉइंट पर हम क्वार्टर टी स्पून है वो इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे, इसे मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हम जो एग्स बॉयल हमने किए हैं उन्हें ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ये बॉयल्ड एग्स ऐड कर देते हैं इस मसाले में। और इसे ऐड करके हम इसे दम पर लगाएंगे। 5-10 मिनट के लिए हम इसे दम पर लगा देंगे। गरम मसाला हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अब इसे कवर करके 5-10 मिनट के लिए इसे दम पर लगाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएंगे। एग करी अंडों का सालन रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ, बशर्ते ज़िंदगी हो दस्तियाबी। अल्लाह हाफिज़।